वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप इस लाल बटन को दबा सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। सो हेलो गाइस, दिस इजाज एंड मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि IMEI नंबर कैसे फिक्स करते हैं। जब कोई कस्टम रोम आप इंस्टॉल करते हैं या अगर रोम फ्लैश करने के बाद आपका IMEI नंबर दिखाता है इनवैलिड, सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा है, सिग्नल प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ये कैसे फिक्स करेंगे वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर में जाके MTK इंजीनियरिंग मोड है उसको आपको इंस्टॉल करना है। मैंने ये इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं फिर आपको ये ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप MTK सेटिंग पे जाइए। MTK सेटिंग पे जाके कनेक्टिविटी टैब पे जाइए। CDS इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, CDS इंफॉर्मेशन पे क्लिक कीजिए। रेडियो इंफॉर्मेशन है, रेडियो इंफॉर्मेशन पे क्लिक कीजिए। फिर आपको सिम वन का अगर IMEI इनवैलिड दिखा रहा है तो सिम वन पे क्लिक कीजिए। सिम टू का अगर दिखा रहा है तो सिम टू पे क्लिक कीजिए। अगर आपका दोनों दिखा रहा है तो पहले सिम वन का कर लेते हैं। सिम वन का करने के लिए पहले आपको एक कमेंट देना है, ATPLUS EGMR। देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका ये तीन कमेंट नहीं आता है तो आप टाइप करके भी कर सकते हैं। ये ATPLUS EGMR = 17, तो इस पर हम क्लिक करते हैं सिम वन के लिए। तो हम अब IMEI नंबर अपना डालेंगे यहाँ पे। मेरा देखिए IMEI नंबर यहाँ पे सेट है, मैं पहले कर चुका हूँ इसीलिए फिर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अब आपको सेंड एट कमेंट पे क्लिक करना है। देखिए दिस कमेंट इज नॉट अलाउड इन यूजर बिल्ड, तो आपका कमेंट सेंड नहीं हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे कि एटी के बाद में आपको एक सिर्फ स्पेस दे देना है, फिर आप सेंड एट कमेंट कीजिए। देखिए एटी कमेंट इज एम सेंट दिखा रहा है, तो आपका समझ लिया आपका कमेंट सेंड हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, आपका फ़ोन रिबूट मत कीजिए। रिबूट करने से समटाइम्स क्या होता है IMEI नंबर चेंज नहीं होता है, तो आप पावर ऑफ करिए फिर पावर ऑन कीजिए। तो हम अब सेट करेंगे सिम टू का IMEI नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको MTK इंजीनियरिंग टूल पे जाना है, फिर वहाँ से MTK सेटिंग पे जाइए, फिर कनेक्टिविटी टैब पे स्लाइड कीजिए, फिर CDS इंफॉर्मेशन पे क्लिक कीजिए, रेडियो इंफॉर्मेशन पे क्लिक कीजिए, फिर फ़ोन टू पे क्लिक करना है। अब फ़ोन टू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक कमेंट लिखना है ATPLUS EGMR। हम सिम वन के लिए हम लोग सिलेक्ट किए थे ATPLUS EGMR 17, अब सिलेक्ट करेंगे 110 सिलेक्ट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये आपका नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, ATPLUS EGMR ये टाइप कर सकते हैं। टाइप करके 110 जैसा दिया हुआ ऐसे ही टाइप कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में ये दे दूंगा। फिर आपका यहाँ पे IMEI नंबर लिखना है। देखिए कमेंट आ रहा है दिस कमेंट इज नॉट अलाउड इन यूजर बिल्ड, तो आपको क्या करना है एटी के बाद एक स्पेस दे देना है, सिर्फ एटी के बाद स्पेस देना है, फिर सेंड द कमेंट करना है एटी कमेंट इज एम सेंट। तो आपका कमेंट सेंड हो चुका है। अब आपका फ़ोन पावर ऑफ करके पावर ऑफ कीजिए, तो आप फॉर श्योर यह हो जाएगा आपका IMEI नंबर सेट हो जाएगा और सिम वन पे नेटवर्क भी आ जाएगा। सो थैंक यू एंड इस वीडियो से आपको अगर थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए। आई एम साइनिंग ऑफ।